हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ बहुत एक्साइटेड क्योंकि आज मैं कहीं अच्छी जगह घूमने जाने वाली हूँ, जिसके लिए आपको मेरे ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं। मैंने पॉनिटेल बनाई है, ओपन हेयर तो करे नहीं जा रहे, तो इसलिए मैंने सोचा नेचर के बीच में कोई रेस्टोरेंट और कैफे अच्छा सा मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊंगी, तो आप बने रहिए। तो अब निकल रही हूं मैं घर से बाहर, यार गर्मी बहुत है पता है। चलो अच्छा, आई होप ये प्लान मेरा अच्छा रहे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नेचर के बीच में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूं क्योंकि रक्षाबंधन के पैसे हैं तो हाथों में खुजली हो रही है मेरी। चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो मैं घर से निकल गई हूँ, ये मेरा आप पूरा होल लुक देख सकते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी तो ओपन हेयर तो करे नहीं जा रहे, इसलिए मैंने पॉनीटेल बना दी और अब मैं जा रही हूँ बाई बोल के अपने घर पे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको ये देखो, अब आ गया पूरा काठगोदाम में, हम हैं अभी काठगोदाम। काठगोदाम से जा रहे हैं भुजिया घाट के लिए क्योंकि ये कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जो है नॉर्थ पॉइंट ईटरी रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, ये है भुजिया घाट में काठगोदाम से 5.7 किलोमीटर पे। तो या आप हमारे साथ ये पूरे रास्ते एंजॉय कीजिए और हमारे साथ ट्रैफिक का भी सामना कीजिए और जितने अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट हैं उनको भी एंजॉय कीजिए। अब इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस या कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये पूरे ट्रैफिक को चीर के जाना पड़ा इतना अच्छा व्यू देखने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग थे, आज वीकेंड नहीं था, तभी भी ट्रैफिक आजकल है ही क्योंकि इतनी गर्मी है, हर कोई पहाड़ों में आना चाह रहा है। तो हम भी चले गए अपनी हिम्मत बना के, हमने कहा कुछ भी हो वहाँ तक तो आज पहुँचना ही है क्योंकि बस जाना था तो जाना था। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो मैं पहुंच गई हूं। मैं जिस कैफ़े की बात कर रही थी आपसे उसका नाम है नॉर्थ पॉइंट ईटरी कैफ़े भुजिया घाट में कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। ये मैं आपको एक हल्का सा उसका लुक दे रही हूं। काफ़ी अच्छी जगह है, आप फैमिली अपने बच्चों के साथ आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ओपन जगह है और बिल्कुल जंगल के पास में है। अगर नेचर इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं। अभी कैफ़े के अंदर तो हम गए नहीं हैं, वहाँ का भी मैं आपको दिखाऊँगी, पर आप बाहर से व्यू देखिए और पार्किंग की भी बहुत जगह है, ये देखो आप। तो मैं पहुंच गई हूं यहां, मैं आपको वन बाय वन सब कुछ जितनी डिटेल मेरे से हो सकेगी मैं आपको देती हूं। चलो अभी हम इनके जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे और देखते हैं इनके ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या है। ये देखो मेरे वेलकम के लिए दरवाज़ा खुल गया है। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इनके ग्राउंड फ्लोर से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा इनका लॉन्च है, पार्टी कर सकते हैं आप यहाँ पे, फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं। और ये देखो इनका रिसेप्शन एरिया जहाँ पे ये आपको ड्रिंक बना के देंगे और ये काफ़ी अच्छा सा, आप खुद देखो नेचर के बीच में है और ये पूरा एरिया मैंने कवर करके आपको दिखाया है, ये देखो। और चाहो तो आप इसके बाहर देखो, जस्ट नेचर के बराबर में है और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें रिवर भी आपको दिखेगी। ये इनका आउटसाइड है, ये देखो आगे पे रिवर है। तो या
आगे ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ले चलती हूँ। तो यहाँ मैंने आपको सारे एरिया दिखा दिया, अब मैं ऊपर की तरफ को जाऊंगी और दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो देखिए इतनी अच्छी लोकेशन है, आप जरूर आइए। तो यस, अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर। ये देखो काफ़ी पीसफुल एरिया है, बहुत ज़्यादा लोग तो अभी हैं नहीं। इस स्टेयर से मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ को। अब मैं आपको दिखाती हूँ रेस्टोरेंट एरिया और कैफे। तो चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ इनका रूफ टॉप। जस्ट स्टे ट्यून्ड। ये देखो आप, सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस व्यू। मतलब हाय, आप यहाँ आके रिलैक्स करो, बैठो, बस टाइम स्पेंड करो अपनों के साथ और एक कॉफी पियो विद अ ग्रेट व्यू। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए लाइफ में। मेरा तो आज का दिन बन गया डेफिनेटली, इट्स अ ट्रीट। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो ये कार्ड गोदाम से जस्ट 5.7 किलोमीटर है, तो आप ज़रूर आइए। अगर आप कभी नैनीताल जा रहे हो तो बीच हो तो बीच में आप यहाँ पे रुक सकते हैं भुजिया घाट में। ये है इनका रूफ टॉप, जैसे मैंने आपको नीचे इनका ग्राउंड भी दिखाया, फर्स्ट फ्लोर दिखाया, रेस्टोरेंट एंड कैफ़े दिखाया, आप पार्टी भी कर सकते हैं। ये है इनका रूफ टॉप जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं विद अ ग्रेट व्यू। आप यहाँ पे देखिए आके अपना स्ट्रेस बस्ट कर सकते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है पहाड़ों में। आप कभी भी अगर नैनीताल जा रहे हैं या कहीं भी घूमने आ रहे हैं तो ये है काठगोदाम से सिर्फ 5.7 किलोमीटर दूर, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। ये देखिए नेचर इंजॉय कीजिए। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेचर के बीच में अगर तुम्हें इतने अच्छे प्राइजेस पे, नॉर्मल प्राइजेस पे कोई भी चीज़ मिल रही है तो ये वर्दी है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक प्योर, एक जो हवा होती है, तुम्हें एसी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने जैसे बोला इतनी गर्मी हो रही थी फिर भी हम बाहर पे बैठे हुए हैं कि, और हवा आ रही है, नेचर है, सब कुछ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो एक बार ज़रूर विज़िट। तो ये देखिए मैंने पहला रेस्टोरेंट और कैफ़े ऐसा देखा जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये देखो आप, ये भिंडी के पेड़ हैं और ये कुछ, ये लोबिया के पेड़ हैं, आई थिंक हाँ वही है, और कुछ कुछ चीज़ें थी और भी। ये मैंने बालकनी से उनके रेस्टोरेंट से शूट किया था तो क्लियर नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे भी कुछ पालक के पत्ते या कुछ तो थे, ग्रीन वेजी थी, तो बहुत अच्छा लगा मतलब इनका ये सब देख के मुझे। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली अपने घर की तरफ को। लिटरली मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है, एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है, बट जाना तो पड़ेगा। और आप लोग चाहे तो इवनिंग में भी यहाँ आ सकते हैं, हम तो अभी दिन के टाइम पे आए हैं। तो या तो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।